कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को दहशत में डाल दिया है। इससे पहले कोरोना के म्यूट होने से पनपा डेल्टा वेरिएंट भारत समेत कई देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। अब कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। कोविड वेरिएंट से बचने के लिए भारत सरकार ने रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू करने के अपने फैसले को अभी टाल दिया है। अब सरकार इस फैसले की समीक्षा कर रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि वे भारत के लिए और भारत से जाने वाली शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख पर अपने निर्णय की जानकारी देगा। पहले केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से आम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया नया कोविड वेरियंट इसमें रुकावट खड़ी कर रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर चौकन्ना रहने के लिए कहा था। इसके चलते दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे की जारी गाइडलाइन के मुताबिक वे यात्री जो रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनकी एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग होगी। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसे कड़े क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। नेगेटिव पाए गए यात्रियों को 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद फिर से उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने संभावित ओमिक्रॉन संक्रमित मामलों के लिए 40 बेड का एक वार्ड भी तैयार किया है। इसके साथ हवाई अड्डे पर उतरे कुल यात्रियों के 5% की रैंडम कोरोना जांच होगी, जिसका खर्चा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उठाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर विमान से उतारा जाएगा और इनकी टेस्टिंग के लिए अलग अलग काउंटर होंगे। भारतीय सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देशों को जोखिम श्रेणी में रखा है। इनमें से अधिकतर में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। महाराष्ट्र ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया है और इस क्वारंटीन के दूसरे, चौथे और 7वें दिन उनका कोविड टेस्ट होगा। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। गुजरात उन राज्यों में से है जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ साथ राज्य के नागरिकों के साथ भी सख्ती बरती जा रही है। अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रिस्क देशों से उतरे यात्रियों को अनिवार्य RT-PCR टेस्ट कराना होगा और इस दौरान रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी। हवाई अड्डे पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। संक्रमित लोगों को हवाई अड्डे से सेल्फ मॉनिटर्ड आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। दूसरी तरफ गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को भी 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में अब 10 और दिन तक रात में बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों ने भी वेरिएंट के खिलाफ कमर कस ली है। जोखिम वाले देशों से तेलंगाना आए यात्री जो कि टीकाकृत नहीं है उनकी हवाई अड्डे पर टेस्टिंग होगी। संक्रमित पाए जाने पर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। कर्नाटक की जारी गाइडलाइन कहती है कि ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों को सिर्फ तभी राज्य में एंट्री मिलेगी जब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी। केरल ने कहा कि हालांकि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अब से एयरपोर्ट पर निगरानी और बढ़ जाएगी। राज्यों को घरेलू स्तर पर बनाई गई गाइडलाइन के अलावा केंद्र सरकार के जारी नियम भी मानने होंगे। केंद्र सरकार के नए नियम 1 दिसंबर से लागू हो चुके हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।